चलो तो अब हम देखेंगे कन्वेक्शन ऑफ एयर। मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो लिक्विड और वाटर, लिक्विड और वो एयर दोनों में होता है, ठीक ना। तो लिक्विड में कैसे होता है उसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एयर में कन्वेक्शन होता है, ठीक। तो एयर में कन्वेक्शन का क्या प्रोसेस होता है ये आज हम यहाँ पर, तो हम बात कर रहे थे एयर में कैसे जो है कन्वेक्शन होता है। तो देखिए, जैसे जैसे सेम प्रोसेस हमारा लिक्विड में होता है, उससे ही कुछ उसी तरह कुछ मिलता जुलता प्रोसेस हमारा क्या होता है एयर में होता है, जहाँ पर कन्वेक्शन की प्रोसेस होते हैं। मैंने लिक्विड में आपको बताया था, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने बताया था कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल होते हैं, जो हॉट पार्टिकल होते हैं, गर्म पार्टिकल होते हैं, वो राइज करते हैं ऊपर, और जो कोल्ड पार्टिकल होते हैं वो जो है हॉट पार्टिकल के प्लेस लेने के लिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं। और इसी प्रोसेस के चलते हमारा हीट का क्या होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड पार्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर होता रहता है, और इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन का लिक्विड में। हमने सेम प्रोसेस हमारा लिक्विड में ऐसा हम लोगों ने देखे थे, देखा था, ठीक ना। और जो सेम प्रोसेस हमारा होता है एयर में भी होता है, कि एयर के जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर राइज करना स्टार्ट कर, हल्के मतलब कि जो गर्म पार्टिकल होते हैं, क्योंकि गर्म होता है ना एयर मॉलिक्यूल्स, तो हॉट हो गया, लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो जो हॉट पार्टिकल होता है, जो गर्म होता है, धूप सनलाइट से गर्म हो जाए, या ऐसे भी कहीं से, सब सपोज दैट कि हम विंटर सीजन में क्या होता है कि हम लोग रूम हीटर जलाते हैं ना रूम में, तो रूम हीटर जलाते हैं तो रूम हीटर क्या करता है, वह हीट प्रोड्यूस करता है, जो जो हमारा रूम हीटर होता है उसमें से हीट निकलता है। तो हीट निकलता है तो चूंकि ग्राउंड में रखा जाता है, खासतौर से किसी रूम के जो है कार्नर में रख दिया जाता है, तो कार्नर में जब वहां से हीट निकलता है तो क्या करता है कि ग्राउंड लेवल का जो एयर होता है, ग्राउंड लेवल के एयर को वो गर्म करता है। तो जब ग्राउंड लेवल का एयर गर्म हो जाता है तो वो हल्का, गर्म होने के बाद हल्का होगा, हल्का होगा तो वो एयर क्या करता है ऊपर उठने लगता है, और ऊपर के रूम के ऊपर का जैसे फैन उन लगा हुआ है, फैन के चारों तरफ ऊपर का जो एयर होता है वो एयर क्या करता है कि ठंडा ना हाई भी रहता है, तो जब गर्म एयर ग्राउंड का गर्म एयर ऊपर जाता है तो ऊपर का ठंडा एयर हाई भी होने चाहिए, क्या करता है उस गर्म एयर का प्लेस लेने के लिए नीचे आ जाता है। और ये भी फिर ना क्या होता है, चूँकि हीट निकल ही रहता है रूम हीटर से, तो ये भी फिर गर्म होता है, गर्म होने का पुनः ये ऊपर जाता है, तो इसका स्थान लेने के लिए पुनः ऊपर का दूसरा जो हैवी एयर होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, वो नीचे चला आता है, और फिर वो गर्म होता है तो लाइटर होकर ऊपर उठता है, तो फिर ऊपर के कुछ कोई दूसरा मॉलिक जो एटम पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर का, वो जो उसका प्लेस लेने के लिए नीचे, मतलब कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे का ये प्रोसेस जिस तरह लिक्विड में होता है उसी तरह एयर में भी प्रोसेस क्या होता है चलता रहता है। और इस तरह धीरे 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 हमारा पूरा रूम क्या होता है, कुछ देर बाद पूरा रूम में रखा होता है गर्म हो जाता है, जिसके चलते ठंडी के मौसम में हमें क्या होता है गर्मी का फील होता है, हमें लगता है कि हमारा रूम क्या हो गया गर्म हो गया। तो ये प्रोसेस जो होता है कन्वेक्शन का वो सेम होता है जैसे कि लिक्विड में होता है उसी तरह एयर मॉलिक्यूल्स में होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि विंटर सीजन में घर में जो हम रूम हीटर लगाते हैं वो रूम हीटर भी क्या करता है हमारे रूम के हवा को गर्म करता है, जिसके चलते हमारे रूम का एयर जो होता है लाइटरों को ऊपर उठने लगता है, और ऊपर का जो हैवियर हमारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चूंकि उसका स्थान लेने के लिए क्या करते हैं नीचे आ जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है, जिसके चलते हमें रूम क्या होता है गर्म हो जाता है, ठीक। दूसरी चीज की हमें वो एरिया जो जेंटली फ्लो होता है मॉलिक्यूल्स एयर एयर सॉरी एयर होता है विंड्स होता है उसको हम ब्रिज बोलते हैं। और जो पीपल हमारे जनरली कोस्टल एरिया में रहते हैं, सी साइड या जहाँ समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जो होते हैं, जनरली ये जो है इंटरेस्टिंग फिनमिना उन्हें देखने को मिलता है का, जिसको हम बोलते हैं सी ब्रिज या लैंड ब्रिज। तभी हम डिस्कस करेंगे कि सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है। ये जनरली उन लोगों में देखने को मिलता है जो कोस्टल एरिया में यानी सी साइड एरिया में, यहाँ समुद्र के आसपास के एरिया में अगर कोई रहने वाले लोग होते हैं तो उनके पास जो है जनरली सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखने को क्या होता है मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सी ब्रिज क्या होता है। सी ब्रिज में मैंने लिख भी लिया है कि द ब्रिज फ्लो फ्रॉम सी टुवार्ड्स द लैंड। ये पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, फ्रॉम सी टुवार्ड्स लैंड। वो जो ब्रिज होता है वो हवा जो होता है जो समुद्र से लैंड की तरफ फ्लो, हम बताएंगे कैसे फ्लो करता है, क्या रीजन है फ्लो करना का, जो समुद्र से लैंड की तरफ फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। एक्चुअली होता क्या है कि जो समुद्र के आसपास की जो एरिया होता है, जहाँ पर चूंकि जानते हैं कि सैंड होगा,
तो चूंकि जो सैंड लैंड लैंड जो होता है समुद्र के आसपास का, वहाँ पर सैंड होने के चलते जब दिन में सूर्य हमारा चमकता है, सन जब राइज करता है, तो चूंकि वहाँ का जो लैंड होता है उसका सरफेस जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है, और समुद्र के वाटर का जो ऊपरी सरफेस होता है वो थोड़ा कम गर्म होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन सन राइज तो जो सॉलिड लैंड्स होता है गेट हीटेड हायर टेम्परेचर मोर देन द क्विकली लिक्विड सी वाटर। जो लिक्विड का सी वाटर होता है उससे जो होता है लैंड, जैसे मान लीजिए मैंने एक बता दिया, यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये लैंड है, ठीक ना, ये लैंड है हम लोग का, ठीक, और इसके चारों तरफ जो है, इसके चारों जो है यहाँ पर जो है समुद्र है, सी है, सपोज दैट ये हमारा समुद्र है ना सर। तो अब क्या होता है जब सन राइज करता है, ठीक ना, सन जब मेरा राइज करता है दिन के समय, क्योंकि ये फिनोमेना जो है डे में होता है, नाइट में नहीं होता है, ठीक ना। तो दिन के समय जब सन हमारा राइज करता है तो चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो मेरा सो है लैंड है, यहाँ पर बालू होगा, ठीक ना। तो लैंड क्या होता है, सन राइज जब यहाँ से सन राइज कर, सपोज दैट ये सन है, ठीक ना, अगर सन राइज करता है हमारा, तो सन राइज करता है तो सन रेज क्या होता है, सन रे जो हमारा इस लैंड पर भी पड़ेगा और इस वाटर पर भी पड़ेगा और मेरा लैंड पर भी पड़ता है, सन पड़ता है ना, सन की किरणें दोनों जगह पड़ता है। तो ये जो लैंड वाला पार्ट होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है सिवाय वाटर मॉलिक्यूल से, क्विकली का हाई टेम्परेचर पर हो जाता है। तो ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स, चूँकि ये वाला जो यहाँ का जो एयर होता है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म होता है, तो यहाँ का जो एयर होता है चूँकि गर्म होने के बाद लाइटर हो जाएगा, तो लाइटर होकर क्या करते हैं, ये ऊपर उठने लगता है। और ये क्या होता है, गर्म होता है बट इसके अपेक्षा अभी ठंडा रहता है यहाँ लैंड के अपेक्षा। तो ठंडा होता है तो क्या करता है, जैसे यहाँ का मॉलिक्यूल्स ऊपर उड़ता है, यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स इसके स्थान लेने के लिए इधर फ्लो करना, यानी इधर का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इधर का मॉलिक्यूल्स हमारा ऊपर उड़ता है, ऐसे राइज करता है ऊपर की तरफ, एयर का मॉलिक्यूल्स हमारा ऊपर की तरफ ऐसे राइज करता है, ऐसे ऊपर की तरफ करे, तो यहाँ का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, तुरंत जो इसके स्थान लेने के लिए इधर की तरफ मूव करना, इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पर कह रहा है कि ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी से समुद्र से टुवार्ड्स द लैंड, समुद्र से लैंड की तरफ जो फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। वो कब होता है, डे टाइम होता है, क्यों, क्योंकि डे टाइम में लैंड हमारा जो है समुद्र के सरफेस से ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके चलते यहाँ का एयर ऊपर उठने लगता है और इसका स्थान लेने के लिए जो समुद्र के जो कोल्ड एयर होते हैं वो इधर की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सी ब्रिज, ठीक। आगे हम देखते हैं लैंड ब्रिज, तो लैंड ब्रिज क्या होता है, ठीक ना, तो थोड़ा फिगर हम फिर से बनाते हैं एक बार। तो लैंड ब्रिज की बात किया जाए तो लैंड ब्रिज में क्या होता है कि ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय क्या होता है कि हाँ जब हम रात की, चूंकि दिन की तो हम चर्चा कर लिए, रात की जब हम बात करते तो रात के समय क्या होता है कि रात के समय जो हमारा लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, कूल फास्टर कह सकते हैं। ये वाला जो एरिया हमारा होता है कूल फास्टर किसके सिवा, सी वाले से, इसके अपेक्षा ये भी गर्म रहता है, लेकिन जितना ही जल्दा ठंडा होता है उतना ही जल्दी ये, सॉरी दिन में जितना ही जल्दी ये गर्म होता है रात उतना ही जल्दी ये लैंड वाला एरिया ठंडा हो जाता है। और ये क्या होता है कि अभी ज़्यादा गर्म है इसके अपेक्षा ये धीरे धीरे ठंडा होता है ना, तेज़ से ठंडा नहीं रहता है, तो ये जब ठंडा होता है ये भी गर्म रहता है, तो गर्म रहता है तो यहाँ का एयर क्या करता है ऊपर उठना स्टार्ट करता है, और यहाँ का ठंडा एयर क्या करता है अब इधर तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है, चूँकि रात के समय हमारा लैंड जल्दी ठंडा होता है और समुद्र वाला एरिया ठंडा नहीं हो पाता, वो गर्म रहता है, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होता है क्या करता है वो राइज करना रहता है अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और क्यों, क्योंकि यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स क्या होता है लाइटर होता है, लाइटर होता है तो ये ऊपर उठना स्टार्ट होता है, और यहाँ का मॉलिक्यूल्स क्या होता है कोल्ड होता है, हैवियर होता है, तो अब जो यहाँ का मॉलिक्यूल जब ऊपर उठ जाता है तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स इसके स्थान को कवर करने के लिए इधर मूव करना स्टार्ट करते हैं, यानी उस प्लेस की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं जहाँ से मॉलिक्यूल्स क्या होता है ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग नाइट में क्या होता है कि हमारा जो एयर है वो लैंड से क्या होता है सी की तरफ मूव करता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सी ब्रिज। तो ये जो है हमें जनरली कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है जहाँ पर, या हम कह सकते हैं सी साइड वाला एरिया जो होता है वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। तो इसे नोट करें तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।